जय हिंद मित्रों, द यूनिवर्स स्टडी एंड वंडर्स में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब हम खुली आंखों से कोई स्वप्न देखते हैं और उसे किसी भी कीमत पर पूर्ण करना चाहते हैं तो एक सामान्य सी बात है कि हमारे सामने कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन कठिनाइयों को स्वीकार किस रूप में करेंगे, हमारी परेशानियों के रूप में या एक चुनौती के रूप में। यदि आपका हार्दिक उत्तर परेशानी है तो आप स्वप्न देखना त्याग दें और यह बात समझ लें कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं वो मात्र एक कल्पना है या आपके लिए परिकल्पना, क्योंकि मंजिल तक जाने वाले मार्ग में परेशानियों नहीं चुनौतियों का स्थान होता है, केवल चुनौतियों का। मित्रों, हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताते हैं जिन्होंने हर चुनौतियों को दिल खोलकर स्वीकार किया और एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी बने। उनका नाम है धीरूभाई अंबानी। क्या आपको ज्ञात है, करोड़पति धीरूभाई अंबानी कभी गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थयात्रियों को पकौड़े बेचा करते थे और जब वे 16 वर्ष के थे तो यमन चले गए थे और वहाँ 300 रुपये वेतन पर काम किया करते थे। वहाँ उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उनकी पदोन्नति भी हुई। 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस भारत आ गए और 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम की शुरुआत हुई। प्रारंभ में पॉलिएस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात किया उन्होंने और 1960 में उनकी कुल राशि 10 लाख आकी गई। वस्त्र व्यवसाय में अच्छे अवसर का बोध होने के कारण उन्होंने नैरोड़ा में रिलायंस टेक्सटाइल्स यानी रिलायंस वस्त्र उद्योग की स्थापना की और विमल ब्रांड की शुरुआत हुई और मताधिकार खुदरा विक्रेता केंद्र की शुरुआत हुई। विश्व बैंक की एक तकनीकी मंडली ने रिलायंस टेक्सटाइल्स का दौरा किया और खास बात यह थी कि उसे उस समय विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट माना गया और इस प्रकार धीरे धीरे उनका विस्तार होता चला गया। आपको यह भी बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने व्यवसाय में कोई शैक्षिक उपाधि नहीं प्राप्त की थी, बल्कि उन्होंने केवल 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी और कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी केवल 500 रुपये लेकर मुंबई आए थे और 2006 में फोर्ब्स ने संसार के सबसे धनवान व्यक्तियों की सूची में धीरूभाई अंबानी को 138वां स्थान दिया था और उस समय उनकी संपत्ति $2.9 बिलियन थी। हमने धीरूभाई अंबानी को आपके समक्ष मात्र एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। हम नहीं कहते कि आप भी धनवान बन जाएं, परंतु हम ये कहते हैं कि आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोचते हैं और आप वो सब सोच सकते हैं जो संभवतः आपके दायरे से बाहर हो, परंतु उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सभी की सफलता के पीछे उनकी अत्यधिक कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलता और ध्यान रहे, अगर मिल भी जाए तो जो आनंद स्वयं बनाकर खाने में है वो आनंद परोसा हुआ खाने में नहीं होता है। इस संसार में अपना स्थान तो स्वयं ही बनाना पड़ता है। और जाते जाते हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। आसमां को जमी पर लाएंगे अगर हम चाहेंगे, किस्मत से लड़ जाएंगे अगर हम चाहेंगे, हवाओं का रुख भी बदल देंगे अगर हम चाहेंगे और जरूरत पड़ी तो सूरज का रथ भी चलाएंगे अगर हम चाहेंगे, हवाओं का रुख भी बदल देंगे अगर हम चाहेंगे और जरूरत पड़ी तो सूरज का रथ भी चलाएंगे अगर हम चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्य पसंद आया होगा और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद और धन्यवाद।